हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में आप हमारे जो सभी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, साथी हैं, जातक हैं जो हमसे आकर के इस प्रकार के प्रश्न करते हैं और उन पूछते हैं कि गुरुजी कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स हैं बॉडी में तो इसका कोई अर्थ होता है, और होता है तो क्या होता है, तो हम उनको बताते हैं। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार आया कि क्यों ना हम इसका एक वीडियो आप तक पहुंचाएं पूरी जानकारी के साथ, ताकि जो हमारे संपर्क में नहीं भी हैं हमारे दर्शक उनको भी इस जानकारी के विषय में उनसे भी लाभ वो ले सकें इस जानकारी का। तो देखिए विषय क्या है, विषय है अंग फड़कना। जो शरीर है हमारा, इसमें जो अंग फड़कते हैं उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, ऐसा हमारे मत है। जैसे कि आँखों का फड़कना, जैसे कि कान फड़कना, भौं फड़कना, ये इस प्रकार के कुछ हैं चीज़ें जिससे कि जीवन में निश्चित रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ऐसा होता है। तो देखिए आज इसी विषय पर चर्चा है, आप ध्यान दे करके सुनिए, बहुत दिलचस्प चर्चा है। आइए आपको जानते हैं, बताते हैं और उसके कुछ उपाय भी देंगे आपको। तो आइए साथियों डिटेल में चर्चा करते हैं आपके साथ, अंग फड़कने के पीछे क्या धारणा है और महिलाएं एवं पुरुषों के किस अंग के फड़कने के अशुभ और किस अंग के फड़कने से शुभ संकेत माने जाते हैं, आज इस विषय पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे लोगों की आँख फड़कती है और बहुत लोगों का कान फड़कता है और बहुत लोगों के होठ फड़कते हैं, लेकिन विशेष रूप से आँखें फड़कने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जीवन में कई बार बहुत निगेटिविटी भी आ जाती है और ये अंग फड़कने का एक रहस्य ही बना हुआ है आज तक। हम में से बहुत लोगों को और विशेष रूप से नौजवान युवक और युवतियों को इसके विषय में तो शायद ही जानकारी हो, या वो मानते ना हो इस प्रकार की, जो अगर होता भी हो उनके जीवन में तो इन चीज़ों में उनका बिलीव ना हो। वैसे बहुत लोग इसको अंधविश्वास भी समझते हैं, लेकिन ये रहस्य है, जरूर ये रहस्य है। और आपको ये भी बता दें कि जब किसी की आँख फड़कती है तो या तो शुभ होता है या फिर कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होता है। तो हम आज इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको समझाएंगे कि क्या इसके पीछे सच्चाई है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों के विषय में कि अगर पुरुष की ये बाई आँख ये वाली फड़कती है तो कहीं ना कहीं अशुभता जीवन में आती है, या फिर कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में अशुभ घटता है या घट सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक रहती है। बहुत लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं होता, अगर नहीं देते हैं तो, लेकिन जब हम किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं मित्रों तो फिर चीज़ों को हम महसूस करते हैं और उन चीज़ों का हमें एहसास भी होता है। मान लीजिए कि बिल्ली रास्ता काट दे, आप सामने से जा रहे हैं, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो व्यक्ति घबरा जाता है। बहुत लोग परवाह नहीं करते इस चीज़ की, लेकिन बहुत लोग बहुत मानते हैं कि आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अवश्य ही कुछ अशुभ होने वाला है आज के दिन हमारे साथ। और सच्चाई भी काफ़ी हद तक यही है कि ऐसा होता जरूर है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अशुभ नहीं हुआ है तो दूसरे व्यक्ति के साथ भी नहीं होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी के साथ हो सकता है लेकिन किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। अब देखिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं ऐसे हैं कि जिनको बहुत ही पौष्टिक और ताकतवर माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे सभी आपको सूट करें। उदाहरण के लिए दूध ही ले लीजिए, दूध को बहुत ही अच्छा माना गया है सेहत के लिए, मगर
पौष्टिक भी माना गया है, मगर कुछ तो दूध उनको तो बहुत सूट करता है लेकिन कुछ को नहीं करता। उन्हें पेचिश की शिकायत हो जाती है दूध लेने से कि साहब रात को दूध पिया था, सुबह डिसेंट्री हो गई, या फिर कफ आदि की शिकायत बन जाती है कि कफ ज़्यादा बना है दूध पी करके। तो बिल्कुल ऐसा ही इन सब चीज़ों के विषय में भी है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो ये एक अलग बात हो जाती है, मगर जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं तो आज हम उनके लिए ये जानकारी दे रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अब सुनिए कि अगर पुरुषों की बाईं आँख फड़कती है, जैसा कि अभी हम आपसे बता भी रहे थे, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं कोई अशुभता का संकेत है। और यदि आपकी आँख 24 घंटे से ज़्यादा फड़कती है, यानी 1 से 2 दिन तक, तब तो ठीक। अगर इसमें ज़्यादा समय तक लगातार ये आँख फड़कती है तो फिर ये शारीरिक व्याधि है कोई, जिसका फिर मेडिकल चेकअप आपको करा लेना चाहिए। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि पुरुष की बाईं आँख का फड़कना और महिला या स्त्री की दाईं आँख, पुरुष की बाईं और महिला की दाईं आँख का फड़कना ये अशुभता का संकेत है। और इन संकेतों की ओर इशारा करता है, अशुभ संकेतों की ओर, पुरुष की बाईं और स्त्री की दाईं आँख। लेकिन आपको यहाँ पर हम यह भी बताना जरूरी समझते हैं कि इसका अनुभव स्वयं हम भी अपने जीवन में अनेकों बार कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी है। जब जब बाईं आँख फड़कती है पुरुषों के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ अशुभ संकेत या नुकसान आता है। अब हम आपको बताएंगे कि पुरुष की दाईं आँख का फड़कना और स्त्री की बाईं आँख का फड़कना शुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। दोबारा से बता देते हैं कि यानी कि पुरुष की अगर दाईं आँख ये वाली और महिला की बाईं आँख ये फड़कती है तो ये शुभ संकेत की ओर इशारा है, ये शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि या तो कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो उस दिन, या कोई दूसरा कोई फायदा हो। पुरुष का बायां कान भी अगर फड़कता है तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अब हम इन अशुभ संकेतों से अपना बचाव कैसे करें? अब अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम उसको शुभ परिणामों में कैसे परिवर्तित करें, प्रश्न ये है। तो आइए इसके विषय में भी चर्चा करें। तो देखिए, जब भी आपकी आँख फड़कती है, यानी कि पुरुष की बाईं और स्त्री की दाईं, ये वाली स्त्री की, तो अशुभ संकेत है, जैसा हम आपको बता भी चुके हैं, इशारा कर रहे हैं शुभ संकेतों की तरफ। अब हम इस चीज़ से बचेंगे कैसे? देखिए, जब भी आपकी आँख फड़कती है तो आपने क्या करना है कि अपनी उंगली को हल्का सा अपनी जिव्या पे छुआ करके, अपनी उंगली लें ये या ये, और छुआ करके जिव्या से उसको छुआ लें, और छुआ करके जिव्या से अपनी पलक पर लगा लीजिए। जैसे कि पुरुष की बाईं आँख हमने बताया अशुभ संकेत का देती है, अशुभता का, तो यहाँ पर लगा लीजिए बाईं इस पर पलक पर, और स्त्री अपनी दाईं पलक पर लगा लें, क्योंकि उनका दाईं पलक का फड़कना अशुभ माना जाता है। तथा एक छोटा सा कागज का, बहुत छोटा सा महीन टुकड़ा ले लें और आप उसको भी अपनी पलक पर रख सकते हैं, चिपका सकते हैं इससे, अपने जिव्या पे लगा के थोड़ा गीला करके और उसको चिपका लीजिए। पुरुष अपनी बाईं पर, स्त्री दाईं पर, जो कि अशुभता का संकेत देती है, उसके लिए उपाय है ये। दूसरा उपाय क्या है? एक गिलास पानी ले लीजिए और उसको 7 बार चाकू की धार से काट लें। गिलास में पानी ले लिया, ऐसे करके काट लें क्रॉस में 7 बार। जब उसको आप 7 बार चाकू की धार से काट लेंगे, फिर उसी पानी से अपने मुंह को धो लें जा करके वॉशरूम में। ऐसा करने से जो आपकी आँख के फड़कने के कारण नकारात्मक फलों के संकेत आपको मिल रहे थे, वह नकारात्मकता जो है दूर हो जाएगी इस प्रकार के उपाय को करने से। आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, जब भी आपकी आँख फड़कती है बाईं पुरुष की और दाईं स्त्री की, तो आप माँ भगवती के इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन करते रहें। जब भी आपको समय मिले, कहीं आते जाते मिले, ऐसा कहीं बैठे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, ये करते रहिएगा मन ही मन। और मंत्र बड़ा सिंपल, बहुत साधारण मंत्र है, माँ भगवती जी का मंत्र है ये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र है, इसको आप मनी मन इसका जाप करते रहिए। यह मंत्र आप उठते बैठते चलते फिरते करें, और उसी दिन जिस दिन आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी ये बाईं आँख फड़क रही है पुरुष की, और स्त्री की दाईं आँख जो कि अशुभता का संकेत देती है, उसी दिन आप एक कार्य और भी करें कि गौ माता को अपने हाथों से ज़रूर कुछ खिलाएं। रोटी पर कुछ मीठा रख करके वो उनको गौ माता को अवश्य खिलाएं, या फिर आप हनुमान चालीसा का ये दोहा भी बार बार अपने मन ही मन करते रहें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। तथा हनुमान जी की प्रतिमा से सिंदूर का तिलक लेकर माथे पर लगा लें, और अपनी उसी पलक पर लगाएं, बाईं पलक के ऊपर हल्का सा, जिस पर आपकी ये आँख फड़क रही है। तो जो अशुभ संकेत वो दे रही है, पुरुष की बाईं और महिला की दाईं, उस पर ही ये लगाना है आपने सिंदूर। और जो नकारात्मकता है, अशुभता की ओर जो सारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, वो सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित हो जाएगा। इस अशुभता को आप इन उपायों के जो हमने बताए, बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय, इनको करके उन अशुभता को आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो ये था अंग फड़कने के ऊपर उपायों के साथ चर्चा कि क्या किया जाए, स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए, कौन सी आँख स्त्री की, कौन सी आँख पुरुष की शुभ संकेत देती है परिणामों की ओर, कौन सी निगेटिविटी की देती है। तो ये चर्चा आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं, और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।